ये वीडियो बीकॉम पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स और टॉपिक हमारा है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर हम दो वीडियो बना चुके हैं और ये जो थर्ड वीडियो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ या मात्राएँ। इस टॉपिक का मतलब है कि हमेशा जब प्राइस में चेंज होता है तो क्वांटिटी में उससे जो चेंज होता है, प्राइस में जो चेंज होता है उसका रिस्पांस किस पे पड़ता है? क्वांटिटी पे पड़ता है। लेकिन जो रिस्पांस या ट्रेंड जो आता है ना, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हर टाइम डिफरेंट रहता है। हो सकता है कभी क्या होता है कि प्राइस चेंज होती है बहुत ज़्यादा और क्वांटिटी एंड डिमांड बहुत कम चेंज होता है, या उसके बराबर चेंज हो जाता है, या प्राइस में थोड़ा सा चेंज होता है क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो ये गुड्स के नेचर पे, मार्केट पे, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि और जो मेजर फैक्टर है वो क्या, इलास्टिसिटी। उस कमोडिटी के कितने डिफरेंट यूज़ है, अगर वो इलास्टिक है, कमोडिटी बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक डिमांड है उसकी, तो क्या होगा, थोड़ा सा चेंज से भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो इसकी जो फाइव कैटेगरी है, डिग्रीज है, फाइव डिग्रीज है, तो हम उसको एक एक करके स्टडी करते हैं। तो पहला क्या है, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम इलास्टिसिटी कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है, इसको इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। तो रीड करते हैं, जब वस्तु की कीमत में बहुत ही कम या अत्यंत ही कम परिवर्तन होने पर भी उस वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार कही जाती है। मतलब बहुत चेंज, बहुत कम चेंज होता है, नॉमिनल चेंज भी अगर हम प्राइस में कर दें तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अर्थात कीमत में सूक्ष्म कमी या वृद्धि वस्तु की मांग में क्रमशः अनंत वृद्धि या कमी को जन्म दे सकती है। अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, और प्राइस घट जाएगी तो उस पर हम चाहे जितनी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। अब ऐसा किस केस में होता है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मंडी जो गेहूं वगैरह जो अनाज की मंडी होती है, उसका एग्जांपल एकदम परफेक्ट है इस केस में। उस केस में क्या होता है, अगर एक ही क्वांटिटी का गुड्स होता है, जैसे एक ही क्वांटिटी का गेहूं है, और अगर मंडी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बायर होते हैं, बहुत ज़्यादा सेलर होते हैं, अगर आप थोड़ी सी भी प्राइस कम करोगे, थोड़ी सी भी, तो सारे बायर आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और बायर बहुत ज़्यादा रहते हैं और आपका, आप चाहे जितना स्टॉक उस पर सेल कर सकते हैं। तो ये जो अनाज मंडी का जो एग्जांपल है वो पूरा परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है। और ये जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर होता है वो हम आगे मार्केट्स पढ़ेंगे, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, कॉम्पिटिशन के बेस पे मार्केट पढ़ेंगे, तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में होता है। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का एक सही एग्जांपल अनाज मंडी है, जहाँ पे प्राइस में थोड़ा भी चेंज करेंगे तो क्या होगा, हम अपना सारा स्टॉक बेच सकते हैं और भी स्टॉक ला के बेच सकते हैं, तो वहाँ क्या, डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी। थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज करेंगे और प्राइस को थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो बायर अपने पास क्यों आएंगे, जब वैसी क्वालिटी का गुड्स अवेलेबल है और खूब सारे सेलर है, मंडी में तो खूब सारे सेलर होते हैं, तो अपने पास बायर कोई भी नहीं आएगा और हमारी पूरी कोई भूला बिसरा आ जाए तो आ जाए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या होगा, एक भी बायर हमको नहीं मिलेगा। हो सकता है एक भी बायर नहीं, और हम थोड़ा सा, हमने बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया, अगर वीट है, गेहूँ है, उसकी प्राइस अगर 20 रुपीज़ है और हमने बिल्कुल 5 पैसा भी अगर हमने बढ़ा दी है तो क्या होगा, 5 पैसा कोई ज़्यादा क्यों देगा, वो सब जगह बायर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे, वहाँ से गुड्स ले लेंगे 20 रुपीज़ में, क्योंकि बायर सब एक जगह ही होते हैं, सॉरी बायर भी एक जगह होते हैं, सेलर भी एक जगह होते हैं, तो सारे बायर क्या होता है, इस दुकान से इस दुकान पर चले जाएंगे, दूसरे शॉप पर चले जाएंगे, दूसरे सेलर के पास चलेंगे, तो थोड़ा सा भी कोई चेंज करेगा या थोड़ा सा भी कोई मतलब बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज करेगा, तो उसका बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट क्वांटिटी ऑफ डिमांड पे पड़ेगा। इसलिए क्योंकि ये हाईली इलास्टिक मार्केट है, तो ये क्वांटिटी का जो मार्केट है वो क्या होता है, हाईली इलास्टिक होता है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल हमने बताया अनाज मंडी, अनाज मंडी में थोड़ा भी चेंज करोगे प्राइस के अंदर तो क्वांटिटी डिमांड में उसका बहुत रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, बहुत मेजर रिस्पॉन्स। तो क्या होगा, प्राइस कम करेंगे तो इनफाइनाइट हम चाहे जितना गुड्स होल्ड कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा प्राइस में चेंज करके कम कर दें और अगर थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो हमारी जो डिमांड थी वो हो सकता है बिल्कुल गिर के लगभग जीरो ही पहुंच जाए, बिल्कुल कम हो जाए, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा हमारी डिमांड में। ठीक है, तो पहली कैटेगरी क्या है, पहली श्रेणी या पहले सीरीज या पहली डिग्री, परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें थोड़ा सा भी चेंज करेंगे
तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंज क्वांटिटी में आ जाएगा, डिमांड में आ जाएगा। अब सेकंड है हाईली इलास्टिक, ये तो परफेक्ट, वो तो पूरी तरह इलास्टिक थी और ये हाईली इलास्टिक है। हाईली इलास्टिक का क्या होगा, इलास्टिसिटी और डिमांड किससे, एक से ज़्यादा है, मतलब प्राइस में जितना चेंज करेंगे मतलब उससे उसके ज़्यादा गुना, एक से ज़्यादा है मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या होगा, प्राइस में जितना भी चेंज करेंगे उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा, ऐसा उसमें होता है जो अल्टरनेटिव यूज़ हो जाते हैं गुड्स के अंदर। अब इसकी पहले इसको रीड कर लेते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में कम आनुपातिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में अपेक्षाकृत अधिक आनुपातिक परिवर्तन होता है तो मांग की इस प्रवृत्ति को अधिक लोचदार मांग कहते हैं। मतलब कम अनुपात में, किसके अनुपात में, मांग के अनुपात में कम चेंज हो रहा है प्राइस में, तो प्राइस में देखो ना कमी चेंज हो रहा है। ये एरिया देखो, पी से पी वन हुआ, प्राइस गिरा, पहले पी था, पी से पी वन हुआ, तो ये एरिया और ये एरिया में डिफरेंस है ना। अब क्वांटिटी Q1 थी, पी पे क्या थी, Q1, और P1 होने पर क्वांटिटी बढ़ के कितनी हो गई, Q2, कर्सर देखो Q2 हो गई, तो ये जो एरिया ये ज़्यादा बड़ा है, तो प्राइस में जो चेंज हुआ उसके कंपेयर में ये एरिया बड़ा है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा जो भी प्राइस में चेंज होगा उसके कंपेयर में क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज होगा। ये होता है कि ना ऐसे गुड्स ले लो जिसके अल्टरनेटिव यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मिल्क ले लो, तो मिल्क को पीने में भी काम में आता है, टी में भी काम में आता है, मिठाई में भी काम में आता है, और उसको उसके दूसरे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, पनीर वगैरह, खूब सारे यूज़ होता है। तो प्राइस जब कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना। ऐसे गुड्स होते हैं काफ़ी जिनके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूज़ आ ही जाता है, तो जब उसका जब प्राइस चेंज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ी जाती है। तो ये जो सेकंड कैटेगरी है इसमें भी क्या हुआ, प्राइस में थोड़ा चेंज करोगे तो क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज होगा, और परफेक्टली में तो क्या बहुत ज़्यादा चेंज होगा, मतलब फुल चेंज हो जाएगा, पूरा स्टॉक खाली हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसमें डिमांड बढ़ जाएगी। अब अपन लेते हैं इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब जब किसी वस्तु की कीमत में जितना आनुपातिक परिवर्तन होता है, मतलब जितना प्राइस में चेंज होता है, अनुपात मतलब रेशियो में, जिस रेशियो में प्राइस चेंज होती है उतना ही समान मतलब इक्वल आनुपातिक परिवर्तन वस्तु की मांग में हो, मतलब इक्वल जितना रेशियो में प्राइस में चेंज हुआ उसी रेशियो में डिमांड में भी चेंज हो जाए, क्वांटिटी इन डिमांड में भी उसी रेशियो में चेंज हो जाए, तो ऐसा जो ट्रेंड होगा, प्रवृत्ति मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, ऐसा ट्रेंड को लोचदार मांग या इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। इकाई के बराबर लोचदार मांग मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल टू 1 है, 1 है मतलब बराबर है। अभी एक एरिया देखो, पी पे कितनी डिमांड थी, पी पे Q1 डिमांड थी, और जब प्राइस गिर के पी से P1 हो गई तो क्वांटिटी डिमांड Q2 हो गई। अभी इस एरिया को देखो, ये क्वांटिटी का एरिया है, क्वांटिटी बढ़ी और प्राइस घटी, ये लगभग सिमिलर है, तो क्या हुआ, जितना रेशियो में ये प्राइस चेंज हुआ उसी रेशियो में क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ गया, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया, 1 हो गया, इकाई के बराबर हो गया, मतलब यूनिट्स के बराबर हो गया, जितना इसमें चेंज उतना का उतना इसमें चेंज, ये भी इलास्टिक होगा क्योंकि चेंज हो गया और इक्वल चेंज हो गया, या तो इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह दो, इलास्टिक डिमांड कह दो, या इकाई के बराबर लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इजिकल टू 1 कह दो, ठीक है। ये हमारी थर्ड डिग्री हो गई। अब हम चलते हैं फोर्थ में क्या होगा, कम चेंजेस होगा, मतलब प्राइस में जो चेंज होगा उसका ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्वांटिटी में। रीड कर लेते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षाकृत मांग में आनुपातिक परिवर्तन कम होता है, जो जिस रेशियो में प्राइस चेंज होती है, जो चेंज होता है उसके कंपेयर में जो डिमांड होती है उसमें कम चेंजेस होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कम लोचदार मांग कहते हैं। अब ऐसे गुड्स ले लेते हैं जिसके अल्टरनेटिव यूज़ नहीं होते हैं, वो क्या कुछ लिमिटेड यूज़ ही आते हैं, तो अगर उसकी प्राइस ज़्यादा भी कम होगी तो उसके, क्योंकि अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है, उसकी डिमांड इतनी बढ़ नहीं पाएगी, बढ़ तो जाएगी थोड़ी, तो हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ा दे या जो भी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको कंज्यूम बढ़ा दे, जो एक दो उसके यूज़ है, वैसे उसके ऐसी कमोडिटी के ज़्यादा यूज़ तो होते नहीं है, लेकिन जो भी यूज़ है, और इनके अल्टरनेटिव भी होते हैं, तो ये भी होता है। इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि ना ज़्यादा अल्टरनेटिव यूज़ नहीं होता तो वो कुछ काम में ही कमोडिटी काम आती है, तो उस काम में ही डिमांड बढ़ेगी, तो ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो नहीं पाएगी। अब इसमें प्राइस में देखो, पी से पी वन हो गया, तो प्राइस में तो बड़ा चेंज है,
ये एरिया देखो और इसके कंपेयर में क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, क्यू से क्यू टू हुआ, तो क्वांटिटी में जो चेंज है वो कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। क्वांटिटी में चेंज है वो क्या है, बिल्कुल कम है। इसके कंपेयर में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस के कंपेयर में इसका चेंज एक से कम है, मतलब ये एरिया ये ज़्यादा है और ये कम है, तो क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन हो जाता है। मतलब जितना प्राइस में चेंज करोगे उससे कम, उसके कंपेयर में रेशियो में या उसके रिस्पांस में कम चेंज होगा क्वांटिटी के अंदर। और फोर्थ इसका एग्जांपल ऐसे ही है कि जो ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसका अल्टरनेटिव यूज़ कम है। अब लास्ट लेते हैं, लास्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग। इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं, जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यधिक या अनंत परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में अत्यंत ही न्यून या कम या शून्य परिवर्तन होता है, तो ऐसी दशा को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, आप इसको बेलोचदार, टाइपिंग में इन्हें सजेस्टेड वर्ड ले लिया था, तो पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं, यहाँ पे भी तो ले लेना। जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यधिक या अनंत परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में अत्यंत ही कम या न्यून या शून्य परिवर्तन होता है, तो इसको तो पढ़ लेना, ऐसी दशा को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, मतलब प्राइस में कितनी भी चेंज करूँ, आपकी क्वांटिटी में डिमांड में बिल्कुल छोटा सा चेंज होगा या चेंज होगा ही नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, या तो बिल्कुल होगा तो इतना कम होगा और या फिर होगा ही नहीं, शून्य परिवर्तन होगा। ये लिखा हुआ ना बिल्कुल न्यून, न्यून मतलब बिल्कुल नाम मात्र, नॉमिनल चेंज होगा या चेंज ही नहीं होगा। काफ़ी सारी कमोडिटी बहुत नेसेसिटी की होती है, बहुत ज़्यादा नेसेसिटी की होती है, उसको तो बस कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, और उसके अल्टरनेटिव भी नहीं है। अल्टरनेटिव तो होता है तो क्या होता है, प्राइस में चेंज होता है, प्राइस बढ़ती है तो उसके अल्टरनेटिव पे चले जाते हैं, और प्राइस घटती है तो अल्टरनेटिव का यूज़ करना बंद करके उस कमोडिटी का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है प्राइस करने पे, कम करने पे, और बढ़ाने पे क्या होता है, बायर अल्टरनेटिव गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि उसका अल्टरनेटिव ही नहीं होता है, उसका होमोजीनियस गुड्स होता ही नहीं है, उसके आसपास कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं होता, उसके आसपास भी कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है, बायर को उस गुड्स को कंज्यूम करना ही करना है। अब इसका एग्जांपल ले लो आप लोग, कैंसर की मेडिसिन ले लो, अब कैंसर की कोई पर्टिकुलर मेडिसिन है और डॉक्टर वही प्रिस्क्राइब कर रहा है और उसका अल्टरनेटिव नहीं है, तो क्या होगा, प्राइस कम होगी, तो क्या होगा, हम तो वही क्वांटिटी यूज़ करेंगे, ऐसे तो है नहीं कैंसर की ज़्यादा दवाई खाने लग जाएंगे, तो प्राइस कम होगा तो हमारे ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और प्राइस बढ़ेगी तो भी भाई जिंदा रहना है तो वो दवाई तो खानी पड़ेगी, तो वो दवाई की डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं होगा। हो सकता है बिल्कुल स्लाइटली चेंज इसलिए है कि हो सकता है कि किसी को कोई खरीद ही नहीं पाए, गरीब आदमी हो तो वो चेंज हो जाए, और पट्टी और अगर वैसा नहीं होगा तो ये तो बहुत कम केस है कि लोग खरीद नहीं पाएंगे, मर ही जाएंगे, तो खरीदेंगे तो सर ही बायर, तो पहले वाली जितनी ज़्यादा प्राइस चेंज भी नहीं होती है दवाई वगैरह की ऐसी केस में, तो प्राइस तो थोड़ी बहुत चेंज भी होगी तो उसका डिमांड पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये मेडिसिन का ही ले लो, मेडिसिन के पहले पी प्राइस थी, क्वांटिटी डिमांड क्यू थी, प्राइस बढ़ी तो भी डिमांड इतना ही डी रह गई, क्यू पे रह गई, तो डिमांड कर्व सीधा खड़ा रहेगा इसके अंदर, और पहले प्राइस घट भी जाए तो भी डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, डिमांड हमेशा क्या रहेगी, क्यू, यहाँ पे लिखा हुआ ना क्यू, ओ क्यू ही रहेगी, डिमांड में क्वांटिटी ऑफ डिमांड ओ क्यू रहेगी, भले ही प्राइस ओ पी वन होए, ओ पी होए, ओ पी टू होए, तो इसके अंदर डिमांड कर्व क्या सीधा खड़ा रहता है, वर्टिकल सीधा खड़ा रहता है। अब देखो इसमें वापस अपन पीछे चलते हैं, पहले से शुरू करते हैं, इसके अंदर क्या एकदम फ्लैट था, डिमांड कर्व एकदम फ्लैट है, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये नीचे की तरफ, राइट हैंड साइड नीचे की तरफ होता जाता है, फिर और नीचे हो गया यहाँ पे, और इसमें और सीधा हो गया, और लास्ट वाले में 5 डिग्री में क्या बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, डिग्री हो गई ना, पहले फ्लैट था और घड़ी की तरह होते 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 सीधा वर्टिकल हो गया, पहले हॉरिजॉन्टल था, फिर धीरे 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 राइट हैंड साइड में झुकता चला गया और फिर सीधा स्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो ये डिग्रीज थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। थैंक यू।